दोस्तों केकेआर शुरुआत कर चुकी है आईपीएल 2024 के सीजन का। आगाज उनका जीत के साथ हुआ है और अंजाम हम चाहेंगे कि जीत के साथ ही आगे बढ़ता रहे, तो ये जिम्मेदारी है केकेआर के प्लेयर्स और उनकी मैनेजमेंट की। बट आपकी जिम्मेदारी बनती है ऐसा वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट देखते रहने के लिए, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए। अगर आपको लगता है कि टीम केकेआर वर्सेज आरसीबी अगर आरसीबी को हरा देगी तो आप अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए और कम से कम 3 दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं चंद्रकांत पंडित के रीसेंट स्टेटमेंट ऑन श्रेयस अय्यर के बारे में। दरअसल दोस्तों बात ऐसी है कि श्रेयस अय्यर का जब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट गया है ना, तब से उनका फॉर्म डगमगा गया है। हालांकि दोस्तों बहुत सारी बुरी परफॉर्मेंसेस के बीच एक अच्छी परफॉर्मेंस उनकी यहां पर रणजी फाइनल में आई थी। यानी दोस्तों कहते हैं ना कि छोटे मोटे मुकाबलों में श्रेयस अय्यर नहीं चलते हैं, बड़े मुकाबलों में चलते हैं। अब टीम केकेआर के लिए जो आईपीएल है ना, वो सभी एक तरीके से बड़े मुकाबले हैं। सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे कि टीम जो है ना प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाए। बट इस बीच यहां पर दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस, क्योंकि आपको सुनने में कितना ही बुरा लगे, अगर श्रेयस अय्यर आपको परफॉर्मेंस करते हुए नजर नहीं आते हैं ना, तो प्लीज उनको प्लेइंग 11 से आप सीधा सीधा बाहर कीजिए। देखो दोस्तों ईगो पे लेने वाली बात नहीं है, आपकी प्यारी हमारी प्यारी टीम केकेआर 2 बार से 3 बार से नहीं कर पाई है क्वालिफाई प्लेऑफ्स के लिए भी, तो कुछ हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं है अगले मुकाबले से ही कर दो, यहां पर दोस्तों ऐसे में बैक कर रहे हैं चंद्रकांत पंडित श्रेयस अय्यर को। उन्होंने रिसेंटली एक ही लाइन में वो चुटकुले वाली लाइन कह दी है कि श्रेयस अय्यर जो है ना वो एक डीजल इंजन वाला गाड़ी है, अगर वो धीरे धीरे चलेंगे, पहले स्टार्ट नहीं होते फिर धीरे धीरे रेस पकड़ेंगे और जब चलेंगे ना तो चलते ही जाएंगे। दोस्तों हम भी बिलीव करते हैं कि श्रेयस अय्यर का पहला मुकाबला बहुत वीक रह गया, बट कमबैक वो कर लेंगे। बट सिर्फ और सिर्फ एक ही चिंता है यहां पर दोस्तों हमें कि आकाश चोपड़ा ने जो उनके लिए प्रेडिक्ट किया है ना, वो किया है कि उनका सीजन 600 प्लस रन का जाएगा। और आप तो जानते ही हो दोस्तों आकाश चोपड़ा की प्रेडिक्शन जो होती है ना उसका अपोजिट ही होता है। तो केवल एक ये डर लगा हुआ है कि श्रेयस अय्यर का ये सीजन कैसा रहने वाला है, क्योंकि कप्तानी में तो नीतीश राणा भी टीम केकेआर के लिए पीछे नहीं रहे। बट हाँ, नीतीश राणा भी खुद परफॉर्मेंस और उनके फॉर्म के लिए जूझ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है दोनों बैट्समैन यानी नीतीश राणा और श्रेयस अय्यर में से इस सीजन टीम केकेआर के लिए सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा और आरसीबी के अगेंस्ट क्या दोनों खिलाड़ी अपने अर्धशतक बना पाएंगे, नीचे आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला मुकाबला केकेआर का आरसीबी के साथ होने वाला है, तो कौन से टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियो देखना चाहोगे नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।